दीर्घ का मतलब होता है लंबा जीवन। बोले दादाजी 102 साल लेकर गए हैं। अब पूछे उनसे कि दादाजी ने 102 साल में किया क्या। उम्र तो बहुत लेकर गए, 102 साल नहीं 110 साल लेकर गए, पर भैया 110 साल का बायोडाटा दीजिए, दादाजी ने क्या क्या किया। बोले महाराज किया तो नहीं, सुबह से शाम दुकान गए, धन कमाया, बेटे पोते उत्पन्न किए, बूढ़े हुए, खांसते खांसते मर गए, और कुछ नहीं किया। अन्य की परिवार पालना भी एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, आज के समय में तो बड़ी चुनौती है, पर ये काम तो एक पशु भी करता है, उसके भी संतान होती है, वो भी पेट पालता है। तो 102 साल की उम्र लेकर गए, पर 102 सालों में हमने किया क्या। पर स्वामी विवेकानंद तो साहब 37 साल लेकर गए थे, आदि गुरु शंकराचार्य तो 36 साल लेकर 35 साल लेकर आए थे, बहुत कम उम्र लेकर आए थे, और उस कम उम्र में ही उन्होंने वो कर दिया धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए। तो जीवन दीर्घ हो या न हो, पर जीवन हमारा दिव्य होना चाहिए, हमारे जीवन में इतनी दिव्यता होनी चाहिए कि भैया हम तो चले जाएं, पर मरने के बाद में भी हमारी सत्ता इस जगत में व्याप्त रहे।